हेलो एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लीट कोड के ऊपर एंड व्हाई आई यूज़ लीट कोड फॉर माय कोडिंग। सो अगर हम लोग सबसे पहले ये लीट कोड वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें हम लोग को ऊपर कुछ पोस्ट दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो लोग अभी इंटरव्यू जस्ट दिए हैं और वो लोग का जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है तो वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो और हम लोग इस यहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह भी होता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेनली इसमें हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छा है। सो अगर हम लोग ये प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन खोलेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से सॉल्व करना तो है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अगर हम लोग को बेसिक्स थियोरी जो है वो पता है और हम लोग को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया या एरेज हो गया या बैक ट्रैकिंग हो गया या ट्री डीएफएस बीएफएस ट्राई और लाइक एनी टॉपिक, तो हम लोग यहाँ से टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको लिंक लिस्ट नहीं आता है, ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट के सारे क्वेश्चन आ गए। और अगर हम अभी बिगनर है तो इजी सेलेक्ट कर लिए और जो अभी हम लोग नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा देंगे, जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वो यहाँ दिखाएगा और जो अटेम्प्ट करना है, जो अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन सॉल्व नहीं हुआ है तो वो इधर दिखा देगा। तो यहाँ से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें टोटल लाइक्स 4500 से भी ज़्यादा है और इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा लाइक क्वेश्चंस है और ज़्यादातर ये इंटरव्यूज़ वगैरह में आते रहता है। तो इससे हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन और ये हम लोग कर सकते हैं और ये इजी भी है, तो अगर हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है इस टॉपिक का तब भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया तब अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर डिस्कशंस में जाके हम चेक कर सकते हैं कि बाकी लोग इसको कैसे सॉल्व किए हैं। और अगर ये क्वेश्चन किस टॉपिक्स को बिलोंग करता है तो वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और इसके जैसा अगर कोई और क्वेश्चन हमको करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ सिमिलर क्वेश्चंस। और अगर हम लोग इसका डिस्कशन सेक्शन खोलेंगे तो पहले मोस्ट वोट्स से शॉर्ट कर लेंगे ताकि जो सबसे ज़्यादा अपवोटेड सॉल्यूशन है वो हम लोग देख सकें। तो इसमें हम लोग को बहुत सारा मेथड्स मिल जाएगा, तो इससे भी देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद लीट कोड का ये मंथली चैलेंजेस आता है। सो अभी अगस्त है तो इसमें ये 2 वीक्स ख़त्म हो चुके हैं, तो 14 क्वेश्चंस ये लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी week 3, week 4 और week 5 का आने वाला है, तो यहाँ से भी हम लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो डेली रिविज़न के लिए ये भी सेक्शन बहुत अच्छा है। अब अगर हम लोग टोटल प्रॉब्लम्स को देखें तो इसमें कैटेगरीज भी है हमारे पास, जो है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस और टॉप 100 लाइक्ड क्वेश्चंस। जो बाकी है ये प्रीमियम के लिए है, तो इसके लिए पैसा देना पड़ेगा जिससे हम लोग प्रीमियम यूज़र बन जाएंगे और फिर ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखें तो इसमें भी हम लोग टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं या फिर डिफ़िकल्टी वाइज सर्च कर सकते हैं। तो अगर हम ईजी सर्च करें तो ये ईजी के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मोस्टली मैंने इसी से प्रिपरेशन किया था। और अगर ये देखें तो इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर इजी हो चुका है हमसे तो फिर हम मीडियम को ट्राई कर सकते हैं, तो मीडियम में भी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया था, कुछ क्वेश्चंस छूट गया है। और अगर हार्ड को देखें तो हार्ड में अगर ईजी और मीडियम से अगर बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगे तो फिर हम लोग हार्ड का कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो ये था इंटरव्यू क्वेश्चन का जो कैटेगरी है। और इसी में अगर हम लोग टॉप 100 लाइक्ड क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है जिसमें से 76 मैंने सॉल्व कर चुका। और इसमें भी अगर हम डिफ़िकल्टी वाइज देखें तो सबसे पहले इजी को ट्राई करना चाहिए ताकि इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और टॉपिक्स जो है वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ईजी होगा। और अगर ईजी हो जाए तो फिर मीडियम और हार्ड को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया प्रैक्टिस के लिए। अब अगर कोई इंटरव्यू में या कहीं कोडिंग में अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास फिक्स टाइम लिमिट होता है,
तो उसमें हम लोग को स्पीड भी होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अलावा। तो उसके लिए कॉन्टेस्ट यहाँ पे होता है, जो वीकली कॉन्टेस्ट होता है। तो यहाँ पर टोटल दो कॉन्टेस्ट है, वीकली कॉन्टेस्ट और बाई वीकली कॉन्टेस्ट। सो वीकली कॉन्टेस्ट हर संडे को होता है फ्रॉम 8 to 9 AM, 9:30 8 to 9:30 AM, और बाई वीकली इवनिंग में होता है 8 PM to 9:30 PM। सो इसमें टोटल फोर क्वेश्चंस होता है। तो अगर हम कोई एक वीकली कॉन्टेस्ट ये देखे तो इसमें टोटल फोर क्वेश्चंस है। फर्स्ट वाला इजी होता है, सेकंड और थर्ड मीडियम, और फोर्थ वाला हार्ड होता है। तो इसमें अगर हम लोग दो या तीन क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है इंटरव्यूज़ के लिए। और इसके बाद ये मेरा प्रोफाइल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट एक ईयर में हम मोस्टली ये वेबसाइट ही यूज़ की है, तो इसलिए ऑलमोस्ट डेली हम ये प्रैक्टिस करते हैं। और इसे रेटिंग वगैरह भी है जो बाकी वेबसाइट्स में है, और जो लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं तो वो भी इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया लीटकोड वेबसाइट के बारे में। और अभी लास्ट कुछ मंथ से वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप चल रहा था और लास्ट मंथ प्लेसमेंट्स भी था। तो इसलिए मंडे से नया वीडियोस आएगा, और वो जनरली इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि अगर वो हिंदी में होगा तो समझ में तो आ जाएगा ठीक है, लेकिन अगर इंटरव्यू में वही क्वेश्चन आ गया तो उसको एक्सप्लेन करने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो। और अगर वो इंग्लिश में ही रहेगा तो अगर वो वीडियो का एक दो लाइन भी याद है तो उससे भी बोल के कुछ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इंटरव्यूअर को ये हो सकता है लगे कि हाँ, आपको ये क्वेश्चन आता होगा और आप अगर टाइम मिला है तो ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए वो इंग्लिश में रखते हैं ताकि उससे आपको कन्वे करने में आसानी हो इंटरव्यूअर को, ठीक है। और अब जो वीडियोस आएंगे तो वो मोस्टली प्रॉब्लम्स वगैरह ही होंगे, और मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। और वो वीडियो सैटरडे को आएगा, दिस कमिंग सैटरडे। और संडे को और भी जो पहले मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। और मोस्टली मंडे टू फ्राइडे 5 क्वेश्चंस होंगे, और वीकली कैटेगरीज होगी, लाइक फर्स्ट विल बी DP, सेकेंड विल बी ट्रीज़, और DFS, BFS, ग्रीडी, एल्गोरिदम्स। सो कैटेगरी वाइज लाइक वीकली वन कैटेगरी होगा, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले ये एक सजेशन है कि जो भी क्वेश्चन का वीडियो आप देख रहे हैं तो वो क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई कर ले, ठीक है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको, अगर नहीं बन रहा है, या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या फिर क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन बना नहीं पा रहा है, या फिर एल्गोरिदम पता है लेकिन कोड नहीं कर पा रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है तो वो आपको वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि वो सॉल्व हो जाए। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर डिस्कशन सेक्शन सेक्शन है, जिसमें आप लोग डिस्कशन बाकी लोगों का डिस्कस जो पोस्ट है वो देख के उससे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ ये जो मैं बोलना भूल गया था वो ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशंस हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, जनरली वो किसी किसी क्वेश्चंस में लॉक्ड होता है, जैसे यहाँ पर है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन अवेलेबल है लेकिन ये प्रीमियम यूज़र्स के लिए बस है, फ्री यूज़र्स के लिए नहीं है। तो ये पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्यूशंस जो भी है तो वैसे मार्क किया हुआ है कि हाँ, इसका सॉल्यूशंस अवेलेबल है और ये बाकी का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस, अगर डाउट है क्वेश्चन में, तो हम लोग सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को ही ट्राई करें जिसमें सॉल्यूशंस पहले से दिया हुआ है। और अगर किसी एक कैटेगरी में अगर क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हम लोग इसको एक्सेप्टेंस रेट से सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर 100 टाइम्स ये सबमिट किया गया है तो 68.6 टाइम्स ये एक्सेप्ट हो जा रहा था। तो इसका रिलेटिव मतलब ये हुआ कि हाँ, ये इजियर क्वेश्चन है और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इस एक कैटेगरी में। और हाँ, और अभी कल ये कॉन्टेस्ट होने वाला है, वीकली जो कॉन्टेस्ट होता है, तो ये ट्राई कर सकते हैं। 90 मिनट्स का कॉन्टेस्ट होगा, 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा तो। और विल बी हैविंग क्वेश्चन ऑन मंडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।